देवास में शीतला सप्तमी के पावन पर्व पर माँ शीतला की पूजा महिलाओं द्वारा की जाती है। महिलाएं 16 श्रृंगार करके माँ शीतला की पूजा करती है। माँ शीतला को बांसी प्रसाद, भजिए, पूड़ी, कड़ी एवं खड़े अनाज का भोग लगाया जाता है। एक दिन पहले यानी कि शाम को ही महिलाएं अपने अपने घरों में शीतला माता के लिए प्रसाद बनाती है एवं रात्रि 2 बजे बाद से ही माँ शीतला की पूजा की जाती है, जो सुबह तक होती रहती है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हमारे रिपोर्टर राजेश पवार ने रात को 3 बजे ये तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की है। महिलाएं किस तरह से लाइन में लगी हुई है। देवास में माँ चामुंडा के सीढ़ी मार्ग के सामने माँ शीतला का प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर दूर दूर से महिलाएं पूजा करने आती है। इनके बच्चे नहीं होते, माता ही शीतला माता सबको बच्चे देती है, सबको स्वस्थ रखती है। माता जो आती है तो इनकी मांग करते हैं, तो माँ वो इन बच्चे को शीतला माता का प्रकोप कम कर देती है और बच्चे स्वस्थ रहते हैं। हर माँ अपने मकरंद आशीर्वाद ठंडा शीला खाती है, माँ दोनों टाइम गर्म खाना नहीं खाती। ये होली जलती है पूर्णिमा के दिन, उसके बाद 7 दिन तक शीतला माता ठंडी करते हैं और आज के दिन छठ के दिन वो बनाते हैं हम लोग ठंडा और सप्तमी के दिन पूजा करते हैं। ये अपने बच्चों के स्वास्थ्य अच्छा रहे उसके लिए माताएं इस पूजा को करती हैं और पथवारी पूछती है, उसके बाद होली की भी पूजा करती हैं और कहानी सुनती है, बायना निकालती है और आज के दिन सभी लोग ठंडा भोजन करते हैं। शीतला माता की पूजा होती है सप्तमी के दिन और इसको ठंडा रात्रि में भोजन बनाते हैं, ठंडा शीला कहते हैं इसे। वो सारी औरतें महिला आती हैं अपने खुशहाली के लिए, अपने बच्चों की पीड़ा के लिए शीले साते का खाना बना के, और सुबह सब जितने भी परिवार के घर के रहते हैं बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी ठंडा खाना खाते हैं और माता से ये प्रार्थना करते हैं कि माता जैसी तुम ठंडे शीली हो वैसे हम सबको रखना, सब परिवार को रखना, सभी को रखना, सबकी मंगल कामना करना, सबको सुख सौभाग्य सब देना और सबको पुत्रवती वह कहना। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।